जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं, किसी व्यक्ति के जीवन में जब सूर्य ग्रह की महादशा आ जाती है तो कैसा फल प्राप्त होता है, उसको जानने के लिए पांच सबसे महत्व के सूत्र है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला सूत्र यह कहता है कि हमें देखना है कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कुंडली का कारक ग्रह बनता है या मारक ग्रह बनता है, यह सबसे पहले देखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मेष लग्न हो, सिंह लग्न हो, धनु लग्न हो, तो इनके लिए सूर्य कुंडली का कारक ग्रह बनता है। और अगर जो सूर्य शुभ स्थिति में होगा तो सूर्य की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। ठीक इसके अपोजिट जाते हैं, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर तुला लग्न हो, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, तो इनके लिए सूर्य कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। और अगर ये मारक ग्रह नीच का हो, छठवें आठवें बारहवें भाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो सूर्य की महादशा के अंदर बहुत खराब फल देखने को मिलता है। दूसरा सूत्र क्या कहता है, सूर्य जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव का फल मिलेगा। सूर्य लग्नाधिपति हो तो लग्न से लगती चीजों का फल मिलेगा, सूर्य पंचमाधिपति होगा तो पांचवें भाव का फल मिलेगा, सूर्य भाग्याधिपति हो गया तो भाग्य भाव का फल मिलेगा। तीसरा सूत्र यह कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का भी फल मिलेगा। चौथा सूत्र यह कहता है कि सूर्य के कारक तत्व का फल भी मिलेगा, यानी सूर्य जो जो चीजों के ऊपर कारक तत्व रखता है उसका भी फल मिलेगा। और पांचवा सूत्र यह कहता है कि सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से जो भी भाव को देखता होगा उस भाव का फल भी सूर्य की महादशा के अंदर देखने को मिलता है। आइए मैं आपको बोर्ड पे बहुत गहराई से समझाने का प्रयास करता हूं। पहले तो हमें देखना होगा कि सूर्य शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। तो ये कैसे पता चलेगा कि सूर्य शुभ स्थिति में है कि नहीं, तो उसके कुछ खास चीजें हैं। मान लो सूर्य पांच नंबर में लिखा हो तो सिंह राशि में लिखा हो तो स्वगृही हो जाता है, सूर्य एक नंबर में लिखा हो तो उच्च का हो जाता है, सूर्य मेष के अंदर उच्च का माना जाता है, सूर्य अगर 11वें भाव के अंदर बैठा हो तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह मानते हैं और बहुत अच्छा फल देता है, सूर्य अगर दसम भाव में बैठा हो तो दिग्बली माना जाता है, वो भी बहुत अच्छा फल देता है, सूर्य बुध की युति होती हो तो बुध आदित्य योग बनता है तो भी अच्छा फल मिलता है, सूर्य से दूसरे और 12वें भाव के अंदर ग्रह बैठा हो तो वेशी वाशी उभयचरी नाम के योग बनते हैं तो भी सूर्य की महादशा के अंदर अच्छा फल मिलता है, सूर्य मित्र राशि में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। तो अगर सूर्य यह सब स्थिति में होगा तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा। क्या फल देगा तो जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य को राजा माना गया है, यानी कि सूर्य राजा का कारक है, तो जब भी सूर्य की महादशा आती है तो राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, अपनी प्रजा के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वैसे ही व्यक्ति राजा के समान अपना जीवन जीता है और दूसरों को सुख दुख में सहायता करता है, अपने कुटुंब के सभ्य, अपने अड़ोस पड़ोस में रहते सभ्य, अपने इलाके में रहते लोग, उनको हर प्रकार से सहायता करता है, मदद करता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसके बाद सूर्य पिता का कारक भी माना गया है, तो जब भी कुंडली के अंदर सूर्य स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का हो के शुभ स्थिति में बलवान होता हो और सूर्य की महादशा आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता के द्वारा बहुत अच्छा धन लाभ होते देखा गया है। पिता के द्वारा उसे पैतृक संपत्ति यानी कि खानदानी जमीन जायदाद मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है, जैसे कि जमीन जायदाद दुकान मकान खेती, ऐसी सब चीजें पिता के द्वारा उसे मिलती है। ऐसे व्यक्ति पिता के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करता है और पिता के द्वारा उसे बहुत अच्छा प्यार भी मिलता है, ये भी देखा गया है। और कुछ किस्सों में ये भी देखा गया है कि उसके पिता को मान सम्मान मिलता है, ये भी देखा गया है। सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य
स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, अति विशिष्टियो कारक हो, दिग्बली हो, कोई शुभ राजयोग बनाता हो और सूर्य की महादशा आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अगर नौकरी करता हो तो नौकरी के अंदर इंक्रीमेंट प्राप्त होता है या फिर प्रमोशन होता है। अगर वो कोई गवर्नमेंट नौकरी करता हो या फिर कोई डिफेंस के अंदर काम करता हो तो उसे अवार्ड रिवॉर्ड से सम्मानित किया जाता है। व्यक्ति अगर व्यापार करता हो तो उसके व्यापार के अंदर उन्नति, प्रगति, विकास होता है और व्यापार के अंदर बड़ा उछल प्राप्त होता है। व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी करता है। सूर्य राजनीति का कारक भी है, तो जब भी सूर्य शुभ स्थिति में हो और सूर्य की महादशा आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को राजनीति के क्षेत्र में जाने से बहुत अच्छा लाभ होता है। सूर्य की जब महादशा आती है तो व्यक्ति को राजनीति, रणनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोगों से उसकी मुलाकात होती है और उनके द्वारा भी धन लाभ होता है। सूर्य आत्मा का कारक भी माना गया है, तो सूर्य जब शुभ स्थिति में बलवान हो और सूर्य की महादशा आ जाए तो ऐसे व्यक्ति अपनी आत्मा के उद्धार के लिए वो लोग बहुत प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे लोग मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, कोई मंत्र की सिद्धि प्राप्त करते हैं, धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जैसे विषयों में बहुत रुचि लेते हैं और अपने आत्मा का उद्धार करने का उत्तम प्रयास करते हैं। सूर्य पितरों का कारक भी है। जब कुंडली के अंदर सूर्य शुभ स्थिति में बलवान हो और सूर्य की महादशा आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पितरों को, अपने पूर्वजों के लिए कुछ अच्छा दान पुण्य करते देखा गया है। यानी कि अपने पितरों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से वो लोग बहुत बड़ा दान पुण्य भी करते हैं। अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए वो लोग कोई धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, जैसे कि भागवत कथा करवाते हैं, अनाथ आश्रमों में अन्नदान करवाते हैं, समाज के अंदर अन्नदान करवाते हैं, अपने कुटुंब के लोगों को यात्रा तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं, गरीबों को वस्त्र दान अन्नदान करते हैं या फिर किसी तीर्थ में जाके वो लोग अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए नारायण नाग बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध जैसी पूजाएं भी करते हैं। अभी हम आएंगे, अगर मान लो सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो हम कैसे जाने तो हम पहले जानेंगे सूर्य को अशुभ कैसे देखा जाता है। सूर्य अगर 7 नंबर में लिखा हो तो समझ जाना तुला राशि में नीच का हो रहा है। सूर्य अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो समझ जाना सूर्य त्रिक भाव के अंदर कमजोर हो रहा है। सूर्य राहु की युति सूर्य ग्रहण बनाती है, सूर्य शनि की युति संघर्ष योग बनाती है, तो ये सब हमें देखना होता है। सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो तो उसे कमजोर माना जाता है। तो जब भी सूर्य कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो और सूर्य की महादशा आ जाए तो क्या क्या होता है। ऐसे व्यक्तियों के पिता अचानक बीमार पड़ जाते हैं, पिता की मृत्यु हो सकती है, पिता से दूर जाने के योग बनते हैं, पिता से मतभेद टकराव होता है। सूर्य कायदा कानून का भी कारक है, तो सूर्य कमजोर हो और सूर्य की महादशा आ जाए तो उन्हें कायदा कानून कोर्ट कचहरी के द्वारा पेनल्टी भरना पड़ सकता है, सजा हो सकती है, जैसे कि सेल टैक्स, इनकम टैक्स की रेड गिर सकती है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है गवर्नमेंट के द्वारा। सूर्य मान सम्मान का भी कारक है। अगर सूर्य अशुभ हो, कमजोर हो, निर्बल हो, त्रिक भाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, कोई अशुभ योग बनाता हो और सूर्य की महादशा आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर मान हानि, बदनामी के योग बनते हैं। अगर राजनीति में हो तो पद भ्रष्ट हो जाता है और उसे पद छोड़ना पड़ता है, मान हानि बदनामी की वजह से उसकी बहुत निंदा होती है। सूर्य स्वास्थ्य का भी कारक है। अगर जो सूर्य कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो और सूर्य की महादशा आ जाए तो व्यक्ति को आंखों से लगती बीमारियां होती है, हड्डियों से लगती बीमारियां होती है, हार्ट अटैक की बीमारी आती है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, सरदर्द की समस्या रहती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है और वो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से कमजोर निर्बल होता है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि अगर मान लो सूर्य कमजोर हो तो उसके लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या उपाय करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा
कि सूर्य कमजोर हो तो सूर्य की महादशा में कौन से उपाय करने चाहिए, तो पहला उपाय ओम ध्रुणी सूर्याय नमः, ओम ध्रुणी सूर्याय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। सूर्य की महादशा में अच्छा फल प्राप्त न होता हो तो रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तीसरा, तांबे के लोटे के अंदर पानी भर के उसमें कुमकुम डाल के सूर्य को रोज अर्घ देना चाहिए। अगर कुंडली के अंदर सूर्य लग्नाधिपति पंचमाधिपति भाग्याधिपति बनकर बैठा हो, यानी कि कुंडली का कारक ग्रह बनता हो, तो माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, सूर्य नीच का नहीं होना चाहिए, सूर्य छठवें आठवें बारहवें भाव में बैठा नहीं होना चाहिए, तो ही माणिक पहनना चाहिए। उसके बाद रविवार के दिन किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला के आप सूर्य ग्रह को बलवान करने के लिए होम हवन कर सकते हैं। और हाँ, अगर सूर्य कुंडली का मारक ग्रह हो, जैसे कि तुला लग्न मकर लग्न कुंभ लग्न, इन लग्नों के अंदर अगर सूर्य मारक ग्रह बनता हो तो फिर माणिक रत्न धारण मत करना, सूर्य से लगती चीजों का दान करना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे गेहूं है, गुड़ है, तांबा है, लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल फल, ऐसी सब चीजें आप किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जब सूर्य की महादशा आ जाती है तो उसकी अंतरदशाओं के बारे में भी सोचना होगा। तो बहुत आसान फार्मूला है कि जब सूर्य की महादशा 6 वर्ष की आती है तो जितने भी सूर्य के मित्र ग्रह है उनकी जब भी अंतरदशा आएगी तो निश्चित तौर पे अच्छा फल मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि वो कुंडली में शुभ स्थिति में होने चाहिए। अभी सूर्य के मित्र कौन कौन है, तो सूर्य का पहला मित्र है चंद्र, फिर मंगल के साथ भी उसकी मित्रता है सूर्य की, सूर्य बुध साथ में हो तो बुध आदित्य योग बनता है, सूर्य गुरु साथ में हो तो राज लक्षण योग बनता है, धर्मात्मा योग बनता है। तो जब भी सूर्य की महादशा के अंदर चंद्र की अंतरदशा, मंगल की अंतरदशा, बुध की अंतरदशा, गुरु की अंतरदशा आती है तो निश्चित तौर पे बहुत सारा अच्छा फल मिलता है इन ग्रहों के हिसाब से, लेकिन शर्त यह है कि ये ग्रह शुभ स्थिति में बलवान होने चाहिए। और सूर्य की महादशा के अंदर ये 4 ग्रहों की अंतरदशा बिल्कुल अच्छा फल नहीं देती। शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों की अंतरदशा का फल अच्छा नहीं मिलता। हाँ, अगर शुक्र बलवान हो, कोई राजयोग निर्माण करता हो, तो शुक्र की अंतरदशा का फल अच्छा मिल सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज से 4-5 साल पहले मैंने बहुत गहन महादशा के वीडियो बनाए हैं, वो आप ढूंढ के देख सकते हो, क्योंकि आपके लग्न के हिसाब से सूर्य की महादशा देखी जाती है। तो मैं आपको बता देता हूं, मेष लग्न के अंदर मैंने हर लग्न के अंदर सूर्य की महादशा का फल बनाया है और उसके लेक्चर नंबर भी लिखे हैं जो आप ढूंढ के देख सकते हो। जैसे कि मेष लग्न में सूर्य की महादशा का फल लेक्चर नंबर 337, वृषभ लग्न में सूर्य की महादशा का फल लेक्चर नंबर 348, मिथुन लग्न में सूर्य की महादशा का फल लेक्चर नंबर 361, कर्क लग्न में सूर्य की महादशा का फल 372, सिंह लग्न में सूर्य की महादशा का फल 383, कन्या लग्न में सूर्य की महादशा का फल लेक्चर नंबर 394, तुला लग्न में सूर्य की महादशा का फल लेक्चर नंबर 408, वृश्चिक लग्न में सूर्य की महादशा का फल 418, धनु लग्न में सूर्य की महादशा का फल 428, मकर लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा का फल लेक्चर नंबर 438, कुंभ लग्न में सूर्य की महादशा का फल 448, और मीन लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा का फल लेक्चर नंबर 458। प्रिय दर्शकों, जब भी हम सूर्य की महादशा के बारे में जानते हैं तो हमें बहुत गहन से अध्ययन करना पड़ता है, जैसे कि सूर्य मित्र राशि में है क्या, स्वग्रही है क्या, उच्चका है क्या, दिग्बली है क्या, अति विशिष्ट योग कारक है क्या, 5वें 9वें भाव में बैठा है क्या, राजयोग निर्माण करता है क्या, ये सब देखना होता है। अगर सूर्य शुभ स्थिति में बलवान होगा तो सूर्य जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव का अच्छा फल मिलेगा, सूर्य जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का भी अच्छा फल मिलेगा, सूर्य सातवीं दृष्टि से जिस भाव को देखता होगा उस भाव का भी अच्छा फल मिलेगा, और सूर्य जिन जिन चीजों का कारक तत्व रखता है उन कारक तत्वों का भी अच्छा फल मिलेगा। ठीक उसके विपरीत जाते हैं, अगर सूर्य
निर्बल हो, कमजोर हो, पीड़ित हो, नीच का हो, छठवें आठवें बारहवें भाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो सूर्य की महादशा में बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। और मैंने उसके आपको उपाय भी बताए हैं। और हर लग्न, क्योंकि हर कुंडली के अंदर कोई ना कोई लग्न होगा, तो आपका जो भी लग्न हो उसके अंदर सूर्य की महादशा कैसा फल देती है, उसके सेपरेट लेक्चर मैंने आज से 4 साल पहले बनाकर रखे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।